हाय गाइस हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। तो गाइस मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है गार्नियर स्किन नेचुरल्स लाइट कंप्लीट फेयरनेस सीरम क्रीम का। गार्नियर ने इस क्रीम को मार्केट में आलिया भट्ट के साथ एक कैंपेन के थ्रू उतारा, तो काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे एड आपने इसके टीवी में देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट क्या है और क्या है इसके बेनिफिट्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैंने इस क्रीम को यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में और जान लेते हैं इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी इसके पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की, येलो एंड वाइट कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये क्रीम है वो मिलेगा। एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 23 ग्राम का जो प्रोडक्ट है वो आपको 69 रुपए की प्राइस में मिलेगा। एंड विजिबल रिजल्ट इन 1 वीक का ये दावा करती है। एंड 3 टाइम्स ऑफ विटामिन सी इसमें डाला गया है। जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका यूजू लेमन, यूजू लेमन जापान में पाया जाता है जिसमें कि काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एंड ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड अभी जो इसने क्रेम्स किए हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ। रिड्यूस 3 टाइप्स ऑफ स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, यूवी स्पॉट्स एंड पिंपल स्पॉट्स है। एंड गिव फेयर स्किन 1 वीक एंड इंस्टेंटली ब्राइटन स्किन एंड गिव लॉन्ग लास्टिंग फेयरनेस। इट इज़ फॉर्मुलेटेड विद UVA, UVB विच इज नाउन एट टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द सन। तो इसने ये तो यहाँ पे क्लेम कर दिया कि ये UVA एंड UVB सन रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन कितना प्रोटेक्ट करेगी यहाँ पे इस पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आप इसका एक मेजर डिसवांटेज बोल सकते हो। तो आपको ये क्रीम अप्लाई करने से पहले सनस्क्रीन अपनी फेस पे डेफिनेटली अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे इसके टेक्सचर की कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके का कुछ इनर पैकेजिंग है इसका, जो कि येलो एंड वाइट कलर की जार में आपको ये क्रीम मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं इसके टेक्सचर आपको दिखा दूँ, ऑफ वाइट साइड में आपको इसका टेक्सचर मिलेगा। एंड थोड़ी सी ही क्वान्टिटी में आपको लेना है ये क्रीम। ओके, मैंने इतनी क्वान्टिटी में लिया है। एंड जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगी। नॉन ग्रेसी टेक्सचर है इसका। इसकी माइल्ड, इसकी जो फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी माइल्ड फ्रेगरेंस है इसकी, लेमन लाइक फ्रेगरेंस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपकी स्किन पे ये ऑब्जर्व हो जाएगी तो आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइटन एंड ब्राइटन बना देगी। तो अभी मैंने स्क्रीन को अप्लाई कर लिया है, तो अभी मैं आप लोगों को इसके सामने आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देख सकते हो अब इंस्टेंटली इसने मेरी स्किन को वाइटन एंड ब्राइटन लुक दिया है, मेरी स्किन की जो क्वालिटी है उसको बेटर किया है। तो अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे आपको कोई ऐसी क्रीम चाहिए जो कि आपको इंस्टेंटली वाइटन लुक दे, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो इसका छोटा पैक भी आता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये छोटा पैक है, इसका बड़ा भी आता है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी स्किन भी ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप छोटा वाला पैक है वो ट्राई कर सकते हैं। एंड स्किन टाइप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और समर्स में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज आई हैव ए ऑयली स्किन। एंड अगर आप इसे विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे, चाहे फिर आपकी स्किन कैसी भी हो, तो आपको इसे अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइज अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। एंड रेनी सीजन के लिए ये क्रीम है वो बेस्ट है, बिकॉज ये निकलती नहीं है, 7-8 घंटे तक टिकी रहेगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।